बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल किस्म की कढ़ाई लेके आया हूं और इसका नाम है चर्सी चिकन कढ़ाई। बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और बड़े बड़े होटल्स में बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइसेस पे ये मिलती है, लेकिन आज मैं आपको ये घर पे बनाने की रेसिपी बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कि कोई भी शख्स इसको आराम से घर पे बना सकता है। तो वीडियो को फॉलो कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और हल्के से नॉर्मल से फ्लेम पे, और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 मग। और यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि इस कढ़ाई की जो बेस है वो ऑयल ही है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 पाव चिकन, और इस तरह बड़े आराम से। तो ये थोड़ी सी स्लो डिश बनने वाली है, यहाँ पे कोई भी तेज़ी नहीं करनी, कोई फ्लेम ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह से इसको आप अच्छे से मिलाएं, और इसमें हमने नमक भी ऐड किया है कुकिंग ऑयल में तकरीबन 1/2 टीस्पून। तो इस तरह से हम जिस डिश को ऑयल में ही पकाएंगे, हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इस तरह से चिकन जो है अपना कलर पकड़ लेगा बहुत ही जल्द, और देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खुशबू चिकन की बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो अब हमने इसको ढक दिया था, अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं तो चिकन जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है कलर चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप देख रहे होंगे कि ऑयल के अंदर जो है वो चिकन की सारी जो यखनी है वो शामिल हो चुकी है, और इसी फ्लेवर से, इसी चीज़ से हम इस जो डिश का है फ्लेवर निकालेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, आहिस्ता से इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 1.5 से 2 टेबल स्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पेस्ट जो है जब ऑयल में शामिल होगा तो इसका फ्लेवर हमारे चिकन में आएगा बहुत ही खूबसूरती और लाइट तरीके से। हम इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाले। तो स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा अगर आपने एग्जैक्टली चर्सी कढ़ाई बनानी है तो। तो ये देखें यहाँ पे हमारा चिकन काफ़ी पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर इसी साइज़ के डालेंगे, और टमाटरों के इस तरह से हम उल्टा करके रखेंगे। ये हमने 4 अदर टमाटर लिए, और इस तरह से मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद जब ये नरम हो जाएंगे तो इसके छिलके हमने बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि ग्रेवी के लिए हम प्याज या कोई और चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे, तो ग्रेवी की जो बेस होगी वो टमाटर ही होंगे। तो अगर इनके छिलके साथ रहेंगे तो अच्छी तरह से ये ग्रेवी में मिक्स नहीं होंगे। इस तरह से हम इसको ढांप देंगे कुछ देर के लिए ताकि एक दम वाली कंडीशन हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। जैसे देखें ये हो चुके हैं 2 से 3 मिनट, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सॉफ्टली इन टमाटरों की जो स्किन है, छिलका है, उसको हम उतार देंगे इस तरह से इनको एक दफ़ा पलट के। ये बहुत आसानी के साथ उतर जाता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से करना है। तो यहाँ पे ग्रेवी के अंदर जो टमाटर की बेस है वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज लगती है। इस तरह से आपने इनको पलटाना है, और इनका जो छिलका है वो ऑलमोस्ट स्किन अपनी जो है वो छोड़ चुका है, और बड़ी आसानी के साथ आप इसको ऐसे जो है वो यूज़ सकते हैं, उतार सकते हैं। तो सभी पीसेस का हमने उतारना है अच्छे से, क्योंकि इसमें जो छिलका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और एक एक पीस का इस तरह से हम उतारेंगे। ये लें जी, ये ऑलमोस्ट सभी पीसों का उतर गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ऑटोमेटिकली ये घी के अंदर जो है मिक्स होता जाएगा, और इन्हीं चीज़ों से जो एक ख़ास तरह का फ्लेवर हमें मिलता है चर्सी कढ़ाई से वो मिलेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो ऑयल था उसको निकाल लिया बाहर थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा था। अब हम मैं इसमें डालूँगा काली मिर्च 1 चम्मच, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की खुशबू आ रही है, जब आप इसको पकाएंगे तो आप फील करेंगे कि ये कितनी अच्छी फ्लेवर और खुशबू दे रही है ये रेसिपी। थोड़ी सी डिफरेंट है रेगुलर कढ़ाई और दूसरी चीज़ों से, लेकिन इसी में इसका फ्लेवर और खुशबू है। अब हम इसमें 4
हरी मिर्चें काट के लंबी लंबी इस तरह डालेंगे, छोटे साइज में बिल्कुल नहीं काटनी। और ये देखें हमारा लेग पीस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो पीसेस की जो कलर है वो निखर के निकला है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी नहीं डाली, लाल मिर्च नहीं डाली, इसलिए हर चीज़ जो है वो अपना ओरिजिनल कलर दे रही है। और इस रेसिपी की यही खास बात है। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब हमने जो ऑयल निकाला था वो इसके ऊपर हल्का सा लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल अब कम फील हो रहा था। सजावट के लिए मैंने ऊपर शिमला मिर्च जो है वो काट के लगाई है। ये देखिए आप, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान है, आराम से आप घर पे बना सकते हैं। बस ये चीज़ें याद रखिएगा, कुछ डालना बेशक भूल जाएं लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपने डालना। तो माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जैसे आपको अच्छी लगे। और इसके साथ आप सॉस, कोई मिंट सॉस या केचप जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको नान के साथ खाएं, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछा करें हमसे, हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देते हुए। तो ये है माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई की जो चर्सी कढ़ाई की लुक है फाइनल। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।